जहाँ तक पेंशन का ताल्लुक है, पेंशन जो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ITSS पेंशन जो स्टेट पेंशन है जो लोग हासिल कर रहे हैं उसमें ओल्ड एज है, विडो और हैंडीकैप तीनों कैटेगरीज में है, उसमें मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि बहुत सारे लोगों ने कंसर्न फॉर्म के बिना जो है फॉर्म भरे थे। कंसर्न फॉर्म जो J&K बैंक से आधार शीडिंग का फॉर्म था वो नहीं उसके साथ लगाया था, जिसकी बिना पे वो फॉर्म सारे के सारे रिटर्न हो गए हैं। मैं उन लोगों से ये विनती करता हूँ, लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, लोगों को मैं विनती करता हूँ कि वो इमीडिएटली अपने वो जहाँ से उन्होंने अपने फार्म ऑनलाइन करवाए हैं वहाँ पे जाकर अपना आधार शीडिंग फार्म जो है वो अपलोड करवाएं ताकि उनकी पेंशन जो है वो गुजार की जाए। दूसरा, जहाँ तक रहा कि जिन लोगों के सेंक्शन लेटर आ चुके हैं इसमें कोई शक नहीं है, हमारा जो पेंशन का पोर्टल था ये पहले कंटेक्ट जो था ये CDAC वालों के साथ था, अभी जन सुगम नया पोर्टल बना है तो पेंशन जिन लोगों की सेंक्शन हो गया वेरी शॉर्टली उनकी पेंशन जो है वो वागुजार की जाएगी। इसमें तो दो राय नहीं है, लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, लोगों ने काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद, जहाँ के पहले पेंशन के लिए एक सिंपल प्रोसेस था लेकिन उसके अंदर अब प्रोसेस को चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है वो नहीं आई है, हमें तो गवर्नमेंट की उसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे पास आई हैं। तो लोगों की शिकायत ये भी है जी एक पेंशन लेनी है तो उस पेंशन के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को परेशानी आई है, लेकिन वन टाइम ये प्रोसेस है, एक बार लोग ऑनलाइन हो जाएंगे तो उसके बाद लोगों को पेंशन लेने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि उनका आधार सीडिंग हो जाएगा, बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा, नाम अपडेट हो जाएगा, पेरेंटेज अपडेट हो जाएगी, रेजिडेंस अपडेट हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी लवाजमात पेंशन के लिए लवाजमात रखे गए हैं वो सारे के सारे बेनिफिट पूरी करें और उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल बनाने में एक 80 या 90 साल का आदमी जो है वो जब तहसीलदार के दफ्तर में 4 या 5 चक्कर लगाता है, जब डोमिसाइल उसको नहीं मिलती है तो वो वहाँ से दुखी होकर जाता है। उसमें भी हमने बहुत सारे कैंप करवाए हैं, जितने भी तहसीलदार साहिबान हैं उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, उन्होंने पंचायत वाइज भी कैंप करवाए हैं, पंचायतों में भी जाकर उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं वो उन कैंप्स के अंदर जो है वो नहीं आ पाए। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर इस इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डोमिसाइल अभी तक नहीं बनी है तो वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम तहसीलदार साहिबान से दोबारा गुजारिश करेंगे, दोबारा उनका कैंप रखेंगे और ताकि उनको भी वो सर्टिफिकेट मिले और वो भी अपने पेंशन फार्म जो है वो ऑनलाइन करवाएं। मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश रही है कि दफ्तरों में आने की कोई जरूरत नहीं है, जितने लोगों ने पेंशन के फार्म ऑनलाइन करवाए हैं वो अपना स्टेटस उसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से जाँच करवा सकते हैं, अपना वो नंबर एप्लीकेशन फार्म नंबर दिखा के। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम दफ्तरों को चक्कर लगा लगा के मर गए, दफ्तर में किसी भी पेंशनर को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेंशन जो है वो आपकी ऑनलाइन है, अपना पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट या जिस भी बैंक का उसका अकाउंट है, वो J&K बैंक का है या रूरल बैंक का है, तो उसी अकाउंट में उसकी पेंशन जाएगी। इसमें लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्द अज जल्द मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में जो हमारा ये फर्स्ट वीक ऑफ द जून है इसमें पेमेंट जो लोगों की सेंक्शन हो गया है इसमें हमारे कोई 4900 के करीब जो है वो डिस्टर्बेंस के केस जो है वो दोबारा रीप्रोसेस में सेंक्शन हो गए हैं और बाकी जो है हमारे टोटल 70,000 के करीब केस हैं और ये 70,000 का प्रोसेस जो है वो मुझे लगता है तकरीबन एज पर माय आइडियाज 50,000 तक लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, जिसमें लोगों की छोटी मोटी कोई क्वेरी लगी हुई है, फॉर्म रिटर्न हो गए। जिन लोगों को मैं दोबारा जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मैं पहले भी आपको अच्छे तरीके से मैंने गुजारिश की थी और शायद आपको मेरी बात समझ में भी आ गई होगी, जो लोग फॉरन पेंशन का बारे हैं उनको अच्छे तरीके से देखा करो। बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर वाले ऐसे हैं जो विजिबल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करते हैं। मेरी आज दोबारा इसी आपके माध्यम से लोगों से और कंप्यूटर सेंटर वालों से खासकर गुजारिश रहेगी कि तुम अपने उस कंप्यूटर सेंटर में जो भी फॉर्म अपलोड करते हो वो विजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड करो ताकि बिल्कुल सामने साफ और शफाफ डॉक्यूमेंट नजर आए, क्योंकि पहले तहसील लेवल पर वेरीफिकेशन होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डायरेक्टर लेवल पर, तो ये सारी वेरीफिकेशन के लिए जब तक पहला स्टेप आपका ठीक नहीं होगा, जब आप फॉर्म जो है अपलोड ठीक नहीं करोगे तब जाके ये सारे के सारा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक समाज का ताल्लुक है, समाज में हमारे 1400 के करीब केसेज जो है वो पिछले साल हमारे सेंक्शन हुए, अभी 250 के करीब केसेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से नए भी चले गए हैं, तो लोगों को पेमेंट पड़ रही है 50,000 पर केस, लेकिन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी सरपंच साहिबान हैं या पंच साहिबान हैं या इलाके के जितने भी लोग हैं वो अपने इस फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ें, जो वो अनमेरिड सर्टिफिकेट देते हैं उस अनमेरिड सर्टिफिकेट को अच्छे तरीके से रीड करें, उसी बच्ची का अनमेरिड सर्टिफिकेट देना है जो बच्ची अनमेरिड है। यहाँ बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि बच्चियों की किसी कोई ऐसी बच्ची भी है जो बेचारी अभी उसकी एज जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पाई है, तो उसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट या SHO का सर्टिफिकेट या BDO का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आप देते हो वो तो अभी हमारे पास उसको हम कंसिडर कर रहे हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे अहबाब हैं जो हमारे लोग हैं हमारे इलाके के यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहुँच के, वो क्या करते हैं कि एट्थ मिडिल पास सर्टिफिकेट जो है उसको क्या करते हैं स्कूल से करवाते हैं, और उसको काउंटर साइन जो है वो अपने कम्प्लेक्स हेड से या ZDO से या जो भी उनका कम्प्लेक्स हेड है वहाँ से साइन नहीं करवाते, जिसकी बिना पे वो फार्म जो है वो वापस कर दिया जाता है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रही कि जो भी या कंप्यूटर सेंटर वाले जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे उनसे गुजारिश ये कि अच्छे तरीके से फार्म को पहले उसकी फाइल को कंप्लीट करें, मैनुअल फाइल को कंप्लीट करें, जब अपलोड करना हो तो फिर आपको किसी भी बेनिफिशियरी को वहाँ बैठाने की जरूरत नहीं है, और फाइल को अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि पढ़कर उस फाइल का पता चले ये फाइल जो है वो ठीक है, अब इस फाइल को जो है वो हम अच्छे तरीके से प्रोसेस करेंगे। जब आपके वहाँ से अच्छे तरीके से फाइल प्रोसेस होगी, जब हमारे पास आएगी तो हमको उसको अच्छे तरीके से फॉरवर्ड करेंगे, और जब रेट लेवल पे भी जाएगी ताकि आपकी फाइल जो है वो DC साहब जब उसको रिकमेंड करेंगे तो ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना आए, वरना आप ही अगर फार्म को घुमाते रहोगे, 1.5 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम उसके बीच में रखा है आपके कंप्यूटर सेंटर में, वो फाइल 1.5 महीने चक्कर लगा दी रहती है, क्योंकि फार्म इधर आया, इधर से हमने बैक किया, उधर से फिर इधर आया, फिर बैक किया, कभी कोई क्यों नहीं, कभी कोई क्यों नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले फार्म को अच्छे तरीके से पढ़ लें, और वो फार्म पढ़ने के बाद जो है वो आप उसको क्या करें दोबारा जो है वो जब भी किसी को क्यूरी लग के आती है तो अच्छे से केयरफुली उसको पढ़ लिया करो, पढ़ने के बाद फिर उसको दोबारा हमारे पास जो है वो रिसबमिट किया करो। और बाकी जहाँ तक रहा लोगों का, आपने बताया कि लोगों की पेंशन जो है वो सेंक्शन ऑर्डर जो है वो हो चुके हैं, लोगों की पेंशन नहीं पड़ी है, तो इसमें मेरी आप जितने भी लोग हैं सबसे गुजारिश है कि फरवरी तक, अप टू फरवरी हमारी पेंशन जो है वो सारी की सारी बागुजार की गई है। तो ये जो अब मार्च और अप्रैल का महीना जो चल रहा है, इन दोनों महीने की पेंशन जो है वो वेरी श्योरली जो है लोगों के अकाउंट में पड़ जाएगी। और पुराने जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि वो अपना अपना आधार सीडिंग जो है ना वो बैंक में जाके जरूर करवाएं, वहाँ बैंक वालों की हमने ये देखा कि बैंक के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इनको स्टम्पिंग करके दे देते हैं, मोर लगा के दे देते हैं, उस मोर से इनका मामला हल होने वाला नहीं है। जब पोर्टल पर चेक किया जाता है तो किसी भी आदमी का, जिस तरह मैं अपने मंडी की बात करूँ तो मंडी के जितने भी पेरीफेरी के बैंक हैं वो सारे के सारे ने स्टैंप करके उनको दे दी। मेरे पास 15,000 में से 12,000 के करीब जो है लोगों ने आधार शेयरिंग करवा दी है, बट अनफॉर्चुनेटली जब उसको अकाउंट को चेक किया गया तो देखा गया कि वहाँ आधार शेयरिंग नहीं है। लोगों की पेमेंट जो अभी 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 वो येलो ट्रैप के ऊपर है, क्योंकि येलो से जब ग्रीन में जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी पेमेंट जो है क्लियर होगी, आप बैंक से पेमेंट जो है वो विड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये पेमेंट तब ही क्लियर होगी जब तक आप अपना आधार सीडिंग जो है वो बैंक के साथ अकाउंट के साथ नहीं करवाओगे। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश रहेगी, जितने भी इलाके के पंच साहिबान हैं, सरपंच साहिबान हैं या BDC या DDC ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आपने लोगों को मोबिलाइज करें ताकि वो जल्द अज जल्द अपने फार्मों को जो है वो कंप्लीट करवा के ऑनलाइन करवाएं, और ताकि लोगों की पेंशन टाइमली जो है वो मंथली बेसिस पे बागजार की जाए। और ये जो हमारा नया कंटेक्ट जो है वो CDAC से हट के दूसरी किसी एजेंसी के साथ जो हुआ है, तो इसमें ये हमारे DG मैम के लेवल पे है, जैसा ही ये फाइनलाइज हो जाता है तो लोगों को पेमेंट पड़ जाएगी। मेरी आपके माध्यम से लोगों से फिर ये मेरी विनती है लोगों से, कंप्यूटर सेंटर वालों से, कि आप फार्म जितने भी हैं वो ऑनलाइन अच्छे तरीके से भरें, लोगों के विजिबल डॉक्यूमेंट चलाएँ, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं।